राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पारित होने के बाद से प्रदेश भर में निजी चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की ओर से आंदोलन को तेज कर दिया गया है। बिल को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदेश भर में चिकित्सक अब सड़कों पर उतर गए हैं। ब्यावर में भी आंदोलन को उग्र करने को लेकर शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा ब्यावर की ओर से जय क्लिनिक अस्पताल में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी चिकित्सकों ने राज्य सरकार की ओर से पारित किए गए राइट टू हेल्थ बिल का विरोध करते हुए इसे आमजन के खिलाफ बताया। उधर बिल को लेकर विरोध कर रहे चिकित्सकों के साथ जयपुर में दमनकारी कार्यवाही की कड़े शब्दों में निंदा की। बैठक में उपस्थित सभी चिकित्सकों ने एक स्वर में सरकार द्वारा बिल को वापस नहीं लेने तक निजी चिकित्सालय बंद रखने का निर्णय लिया। बैठक में बिल की खामियों को लेकर आमजन को भी जागरूक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में डॉक्टर पीसी गंगवाल, डॉक्टर गोविंद नाटानी, डॉक्टर दिलीप टाग, डॉक्टर लोकेश सिंघल, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर महावीर माली, डॉक्टर बीसी सोढ़ी तथा डॉक्टर आरसी सिंघवी सहित अन्य चिकित्सक शामिल थे। के सभी सदस्यों के द्वारा मीटिंग की गई है और हमने मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि हम सभी जनता को इस चीज के बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि हम इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये जनता में ये भ्रम फैलाया गया है कि जनता को इस बिल से फ़ायदा होने वाला है, जबकि सरकार खुद मानती है कि 70-80% जो केसेज हैं उनके और ऑलरेडी उनकी स्कीम्स के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा किए जा रहे हैं। इसको मानने के बावजूद सरकार कह रही है कि उनका काम निर्बाध रूप से बिना किसी झिझक के चलता आ रहा है। ये सरकार अब इस अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहती है और ये हम लोगों ने तय किया है कि जब तक इस बिल को सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस बिल के लिए हम सभी एक मत हैं और सभी ने यह निर्णय किया कि इस बिल के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। सभी चिकित्सक समुदाय, हमारी सभी यूनियंस, सभी इस चीज़ में एग्री है। आज जयपुर के अंदर विशाल जुलूस निकलने वाला है जिसके अंदर सभी चार्ड के सदस्य, अरिस्टा के सदस्य, IMA के मेंबर प्लस हमारी संघर्ष समिति इसके लिए सरकार को बैकफुट लाने के लिए प्रयत्नशील है। सरकार अपनी दमनकारी नीति वापस ले, जो चिकित्सक है उन पर लाठी बरसाना बंद करे, उन पर पानी की बोछा कैनन्स डाल रही है, उनको अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही है, उनको जो अनशन पे बैठी हुई है हमारी महिला चिकित्सक उनको घसीटा जा रहा है, उनको जबरन वहाँ से उठाया जा रहा है। आंदोलन को कुचलने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये बिल जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।